Dear students, assalamu alaikum. Welcome to the online lecture series of environmental science. We were discussing about ecological pyramids. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, अमाउंट ऑफ बायोमास एक ट्रॉफिक लेवल में, अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था आपके पायरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे पायरामिड ऑफ आज हम डिस्कस करेंगे पायरामिड ऑफ बायोमास. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पायरामिड क्या होता है, पायरामिड ऑफ नंबर भी हमने डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे पायरामिड ऑफ बायोमास के बारे में. अगेन सेम डेफिनेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पायरामिड ऑफ बायोमास. हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज बीन एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बी इट प्राइमरी कंज्यूमर, बी इट सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी और क्वार्टनरी कंज्यूमर्स. मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्राई मास या ड्राई वेट जिसे आप कहते हैं या बायोमास एक्यूमुलेशन हुआ है हर एक ट्रॉफिक लेवल्स पे, उसको हम सिंपली कहते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास. पायरामिड ऑफ बायोमास भी या तो आपका स्ट्रेट पायरामिड होता है, स्ट्रेट होता है, या तो आपका इन्वर्टेड हो सकता है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था आप लोगों को हमेशा याद रखना, जो आपका बेस है वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, चाहे वो इन्वर्टेड पायरामिड हो आपका या आपका अपराइट पायरामिड हो, हमेशा आपके बेस में प्रोड्यूसर होते हैं इन्वर्टेड पायरामिड हो चाहे आपका अपराइट या स्ट्रेट पायरामिड हो. इन केस ऑफ पायरामिड ऑफ बायोमास वी मे हैव अ पायरामिड ऑफ स्ट्रेट पायरामिड और अपराइट पायरामिड और वी मे हैव एन इन्वर्टेड पायरामिड. भाई कहां पे हो सकता है आपका एक इन्वर्टेड पायरामिड या कहां पे हो सकता है आपका एक अपराइट पायरामिड, देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट में जाके देखेंगे भाई क्या है फॉरेस्ट में आपका पायरामिड ऑफ बायोमास. सिंपल है भाई, अगर हम एक फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, सॉरी फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं, कल हमने नंबर्स में डिस्कस किया था एक सिंगल ट्री सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ बोर्ड्स व्हिच इन टर्न सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस बोर्ड्स व्हिच इन टर्न सपोर्ट्स पैरासाइट एंड इन टर्न हाइपर पैरासाइट्स. नंबर वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई सेम इकोसिस्टम को लेके चलेंगे हम लोग, सेम इकोसिस्टम को एक ट्री को लेके चलेंगे हम लोग. एक सिंगल ट्री, वन सिंगल ट्री, कल नंबर में बताया था बहुत सारे नंबर ऑफ बार्ड्स को फीड करता है, मान के चलो हमने कहा था 10 नंबर ऑफ बार्ड्स, ठीक है जी. फिर हमने कहा था इस बार्ड में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, फिर उन पैरासाइट्स में बहुत सारे नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट रहते हैं, ये हमने कल नंबर में डिस्कस किया था. आज उसी इकोसिस्टम में जाके अगर हम बायोमास की बात करेंगे, पायरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा था अमाउंट ऑफ बायोमास और ड्राई मास एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज पायरामिड ऑफ बायोमास.
So what we are supposed to consider, we are supposed to consider only amount of biomass accumulated at each trophic level, rather than we are supposed to focus on number. So what we are supposed to determine, what we are supposed to determine here is none but amount of biomass accumulated. A single tree का example ले लिया हमने, एक single tree, बहुत सारे number of buds को, फिर उसके बाद बहुत सारे number of parasite and in turn hyper parasite को, हम dry mass की बात कर रहे, number की बात नहीं कर रहे, अगर हम comparison करें, एक single tree का comparison करेंगे, इस tree का हम weight comparison करेंगे, किसके साथ, इन buds के साथ, और इन buds का comparison करेंगे हम parasites के साथ, और इन पैरासाइट्स का कंपैरिजन करेंगे हम हाइपर पैरासाइट्स से, इनका क्या कंपैरिजन करेंगे भाई, हम लोग वेट कंपैरिजन कर रहे हैं, ड्राई मास कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे एक ट्री का अगर हम ड्राई मास ले लेंगे इन कंपैरिजन टू द 10 नंबर ऑफ बोर्ड्स, तो लॉजिकली ये हमें पता चलेगा, कोई भी बताएगा आपको कि जाहिर सी बात है भाई 10 नंबर ऑफ बोर्ड्स के कंपैरिजन में एक ट्री का अगर हम ड्राई मास लेंगे तो ट्री का जो ड्राई मास होगा, बायोमास होगा, वो कंपैरेटिवली 10 बर्ड्स या 20 बर्ड्स से हमेशा ज्यादा होगा. एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम इन 10 बर्ड्स का ड्राई मास बायोमास अगर कंपैरिजन करेंगे बहुत सारे नंबर ऑफ पैरासाइट्स से, तो ऑब्वियसली हमारे जो बर्ड्स का वो जो बायोमास होगा वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा. उसके बाद हम बताते हैं भाई पैरासाइट्स का अगर हम कंपैरिजन करेंगे आपके हाइपर पैरासाइट्स के साथ इन टर्म्स ऑफ ओनली बायोमास, तो हम कहेंगे हमेशा हमारे पैरासाइट्स का बायोमास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइपर पैरासाइट. तो सबसे नीचे बेस लेवल में क्या है भाई, ये हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का बायोमास बहुत ज्यादा है, तो भाई क्या बनेगा, हमारा बेस जो है ब्रॉड बनेगा, ठीक है जी. उसके बाद भाई बर्ड्स की अगर बात करते हैं, उनका वेट कंपैरेटिवली क्या हो रहा है भाई, उनका वेट कंपैरेटिवली कम हो रहा है. उसके बाद भाई हमारे पास पैरासाइट्स हैं, उनका बायोमास अगर हम बात करते हैं तो और भी कम हो रहा है. उसके बाद अगर हम जाके देखेंगे पैरासाइट की बात करते हैं तो उनका बायोमास और भी कम हो रहा है. उसके बाद लास्ट में जो आपके हाइपर पैरासाइट्स होते हैं एपेक्स में, उनका अगर हम बायोमास देखेंगे कंपैरेटिवली लोवेस्ट इन नंबर, लोवेस्ट इन अमाउंट होता है. इसलिए हमने कहा प्रोड्यूसर्स का बायोमास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इसको ब्रॉड बनाया. उसके बाद आपके बर्ड्स की बात करते थे हम लोग, बर्ड्स का बायोमास कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर के यहां पे कम है. उसके बाद आपके पैरासाइट्स थे, उसके बाद आपके हाइपर पैरासाइट्स हैं जिनका बायोमास कंपैरेटिवली कम हो रहा है. इसलिए हमारा जो प्रोड्यूसर लेवल है जिसमें आपका एक सिंगल ट्री ले लिया उसका बायोमास ज्यादा है, इसलिए हमने इसका बेस क्या बना दिया, ब्रॉड बना दिया, और कंपैरेटिवली हमारा टेपरिंग बना. इसलिए हमने देखा अप राइट पिरामिड. तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इफ वी कंसीडर ओनली अ सिंगल ट्री व्हिच इज हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास एंड the birds which living on that very particular tree or in that very particular forest is comparatively having less amount of biomass, that's why it is showing or depicting a smaller, comparatively smaller width, and the width goes on decreasing as we move from producer to towards the apex successive consumer level. तो हमें समझ आया इन केस ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास सो फॉर्म्ड इज अपराइट और स्ट्रेट पिरामिड. अब देखते हैं भाई कि क्या आपका पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है. चलो हम डिस्कस करेंगे. एक पाउंड इकोसिस्टम में अगर हम चले जाएंगे भाई, पाउंड इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं हम लोग भाई, क्या मिलता है वहां पर हमें, फाइटोप्लैंकटन से भाई, आपके प्रोड्यूसर के फॉर्म में फाइटोप्लैंकटन, फिर उसके बाद फीड करने वाली भाई जूप्लैंकटन, उस पे फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स है भाई आपका स्मॉल फिश, उस पे फीडिंग करने के लिए भाई लार्ज फिश.
भाई हम ड्राई मास या बायोमास की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे। नंबर की बात करती तो यहाँ पे सिनेरियो हमारा डिफरेंट होता। नंबर फाइटोप्लैंकटन का ज्यादा है तो हमारा ब्रॉड बेस बनता, लेकिन हम यहाँ पे ड्राई मास की बात कर रहे हैं, बायोमास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सीन डिफरेंट होगा। तो सीन क्या बनेगा भाई वो हम देखेंगे। देखिए एक पाउंड इकोसिस्टम का हमने एग्जांपल ले लिया, उस पाउंड इकोसिस्टम ने हमने देखा फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कंपैरिजन करना है, इन सब का कंपैरिजन करना है हमने बायोमास रादर देन दियर नंबर। बायोमास कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, बायोमास अगर फाइटोप्लैंक्टन का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ भाई, हम जूप्लैंक्टन के साथ, जूप्लैंक्टन का बायोमास कंपैरिजन करेंगे स्मॉल फिश के साथ, स्मॉल फिश का कंपैरिजन करेंगे ड्राई मास या बायोमास हमारे एक लार्ज फिश के साथ, तो जाहिर सी बात है सबसे जो प्रोड्यूसर लेवल पे है फाइटोप्लैंक्टन उनका बायोमास सबसे कम होगा, तो ये टैपरिंग होगा, इतना सा विड्थ बनेगा मान के चलो। फिर उसके बाद भाई आपके जूप्लैंक्टन्स का बायोमास कंपैरेटिवली आपके फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा और ज्यादा है, ठीक है भाई, थोड़ा सा और इसका विड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्मॉल फिश की बात करते हैं तो उसका कंपेरेटिवली आपके जूप्लैंक्टन के और भी थोड़ा सा मास बढ़ जाएगा। उसके बाद लार्ज फिश की बात करते हैं तो उसका बायोमास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो पायरामिड बनेगा वो आपका इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन हमेशा हमने देखा है बेस लेवल पे क्या है हमारे प्रोड्यूसर से, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या है हमारे फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद सक्सेसिव जो कंज्यूमर्स हमारे पास है वो आपके जूप्लैंक्टन से, उसके बाद आपका स्मॉल फिश है, लार्ज फिश है। तो बायोमास का हम कंपैरिजन कर रहे हैं रादर देन नंबर। तो इन केस ऑफ ए पाउंड इकोसिस्टम द फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स व्हिच इज हैविंग लेवेस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास इन कंपैरिजन टू द जूप्लैंक्टन प्रेजेंट इन दैट वेरी पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड कंपैरेटिवली हैविंग मोर बायोमास एज कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन एंड द लार्ज फिश इन दैट वेरी पर्टिकुलर पाउंड इकोसिस्टम इज हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल लाइक स्मॉल फिश, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। सो द इकोलॉजिकल फॉर्मेट इन केस ऑफ ए पाउंड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड इन नेचर, इन्वर्टेड। समझ आया भाई? तो हमारे पाउंड इकोसिस्टम में हमारा जो पायरामिड बना वो क्या बना, हमारा इन्वर्टेड बना। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर का था, उसके बाद कम हो रहा था आपका प्रोड्यूसर का ये प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास, सॉरी ज्यादा हो रहा था, उसके बाद बायोमास और भी बढ़ रहा था। तो टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं वहां पे इनका बायोमास ज्यादा था, इसलिए हमारा जो पायरामिड बना वो हमारा इन्वर्टेड पायरामिड बना। नेक्स्ट टाइप ऑफ पायरामिड हमने डिस्कस किया था क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि तीन अलग अलग से टाइप के पायरामिड्स होते हैं भाई, जिसमें मैंने कहा था पायरामिड ऑफ नंबर होता है, ठीक है जी, पायरामिड ऑफ बायोमास हमने डिस्कस किया, तो आज हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ एनर्जी। पायरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब है अगेन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एट ए यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हमने नंबर रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने बायोमास रिप्रेजेंट किया, एग्जैक्टली इसी तरह अमाउंट ऑफ हम क्या देखेंगे भाई, एनर्जी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन एक्यूमुलेटेड इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम एट ए पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। कुछ भी यहाँ पे आपको इन्वर्टेड देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और किसी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ पायरामिड ऑफ एनर्जी द पायरामिड इज ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा क्या होता है भाई, अपराइट पायरामिड आप कह सकते हैं या स्ट्रेट पायरामिड कहते हैं, अपराइट या स्ट्रेट पायरामिड आप कहते हैं। प्रोड्यूसर है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई, आपका टर्शियरी कंज्यूमर हो सकता है, हमेशा आपका ऐसा रहेगा भाई। क्यों ऐसा रहेगा?
हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, हमने कहा था। उसके साथ हमने सेकंड लॉ भी डिस्कस किया था, एनर्जी इज अवेलेबल बट इन डिसिपेटेड फॉर्म, एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी सम पोर्शन ऑफ द एनर्जी गेट्स लॉस्ट। हम थोड़ा सा फूड चेन पे चले जाएंगे, ग्रास हॉपर lizard, snake, hawk, for example, क्या देखेंगे भाई हम लोग यहां पर, how much amount of energy, for example 100 units of energy के हम example लेते हैं। तो हमने कहा था at each trophic level energy gets lost in the for metabolic activities, for movement, for locomotion, for metabolic activities, for respiration, etc., etc. So at each level 90% of the energy gets lost, only 10% of the energy gets transferred to the next trophic level, and 10% may be 10% of the previous trophic level energy gets transferred to the next very successive trophic level, means is 10% ka 10% heat is 10 ka 10% transfer hoga, means 1 iska 10%, for example hum kehte hain 0.1, agar aage hoga 0.01, kehne ka matlab hai at each trophic level only 10% of the energy gets received by the next successive trophic level, or we can say at each trophic level 90% of the energy gets lost and only 10% of energy gets transferred to the next trophic level, and that 10% amount of energy is the energy available at the immediate previous trophic level. That's why if it is having 100 kilocalories of energy or 100 units of energy, means 10% of the 100 10% of the 100 is 10, and similarly 1 is the 10% of the 10, and similarly 0.1, 0.00, that's why we already discussed it. Longer the food chain, less will be the energy available at the top or quaternary consumer, and lesser the chain of the food chain, more will be the energy available. So humne dekha at each trophic level energy gets lost at each trophic level, that's why we already discussed energy is unidirectional in movement. So pyramid of energy is always upright, because no energy gets reverted back to the previous trophic level, energy gets lost at each trophic level, means maximum amount of energy is available at the producer level and goes on decreasing in the successive consumer level, like primary consumer, and again amount of energy gets reduced at secondary consumer, tertiary consumer, and so on. Hope आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है आपके पायरामिड्स। हमने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग आइदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद आपने देखा नंबर ऑफ पायरामिड ऑफ नंबर, 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पायरामिड ऑफ नंबर हो सकते हैं, पायरामिड ऑफ बायोमास हो सकते हैं, और पायरामिड ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। पायरामिड ऑफ नंबर मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एंड पायरामिड ऑफ बायोमास मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्युमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एंड पायरामिड ऑफ एनर्जी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी available at each particular trophic level is known as amount pyramid of energy. Hope आपने understand किया होगा। अगर ये lecture समझ नहीं आया तो आपको previous lecture में जाके देखना पड़ेगा, तो hopefully you understand कर पाएंगे। तो stay home, stay safe, खुदा हाफिज़।